धातु, मेटल को हिंदी में बोलते हैं धातु। हमने धातु के बारे में पढ़ा था कि धातु हम लोग कैसे पहचानते हैं, है ना। किसी भी एलिमेंट अगर हमको दे देगा तो हम कैसे बताएंगे कि वो मैटर है कि नॉन मैटर है ना, धातु है कि अधातु है। तो मैंने आपको ऑक्टेट थ्योरी से बताया था कि क्या हुआ था उसमें, उसने क्या किया था, एक बीच में न्यूक्लियस के उसकी चारों ओर क्या किया था, चार शेल में डिवाइड किया था, है ना। चार श्रृंखला थे जिसमें के एल एम और एन शेल था और सबका अपनी अपनी कैपेसिटी थी, है ना। और उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या किया था, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और डिस्ट्रीब्यूट करके क्या कर रहे थे, उसमें जो लास्ट सेल में, लास्ट श्रृंखला में जितने भी क्या बसे थे, इलेक्ट्रॉन्स बसते थे, उसको देख के हम पता करते थे कि वो मेटल है कि नॉन मेटल। मैंने बताया था कि अगर 1, 2 और 3 बचेगा तो क्या होगा, वो मेटल होगा, है ना। हम किसी भी एलिमेंट का जब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद लास्ट श्रृंखला में जो लास्ट शेल रहेगा उसमें अगर वैलेंसी या आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा या 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा या 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या रहेगा, वो होगा आपका मेटल। ये चीज मैंने बताया। अब आज की क्लास में दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है स्टूडेंट भौतिक गुण, है ना। मेटल, मेटल यानी धातु का भौतिक गुण क्या है, भौतिक गुण क्या होता है, जो उसका खुद का गुण जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, है ना। तो भौतिक गुण क्या है धातु का, ठीक है। तो आज का हमारा क्लास रहेगा वो टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है स्टूडेंट। आपके जो सिलेबस में मेटल और जो नॉन मेटल है अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो मेटल और मैं नॉन मेटल दोनों अलग समझाऊंगी, दोनों की जो प्रॉपर्टीज है उसको अलग समझाऊंगी, लेकिन उसके बाद स्टूडेंट एक पोजीशन करके टॉपिक दिया है, मेटल में भी दिया है और नॉन मेटल में भी दिया है, तो दोनों को हम लोग एक ही क्लास में मर्ज करके पढ़ेंगे, ओके। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का मतलब होता है कि इसका भौतिक गुण क्या है, धातु का भौतिक गुण क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट हम लोग, उसका पहला भौतिक गुण होता है कलर। क्या होता है कलर, कलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, रंग, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है, तो जितने भी मेटल होते हैं हर एक का रंग क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। अगर आप एल्यूमिनियम लोगे तो उसका रंग अलग होगा, है ना। मैग्नीशियम लोगे अलग होगा, सोडियम लोगे तो अलग होगा। तो हर एक धातु का रंग क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टीज। उसके बाद दूसरा रंग, दूसरा प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये तो हो गया पहला कलर, रंग पे डिपेंड करता है। दूसरा क्या होता है, वेट। वेट यानी भार, हिंदी में इसको बोलते हैं भार, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो आप अलग अलग एलिमेंट ले रहे हो, जैसे लिथियम, लिथियम लोगे तो वो एकदम क्या रहता है, लाइट वेट रहता है, लाइट मतलब बहुत हल्का रहता है, ठीक है। अगर उसके बाद अगर आप मैग्नीशियम ले लो तो मैग्नीशियम से थोड़ा वजन रहेगा, उसके बाद थोड़ा एल्यूमिनियम ले लो वो ज्यादा वजन रहेगा, ऐसे करके क्या होता है, भार भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो धातु के भार भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो धातु के भार भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है, समझ आया, अलग अलग होते हैं, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट जिसमें भी सेम है, धातु के कल रंग भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी आता है दोस्तों, क्या आता है तीसरा प्रॉपर्टी, कि जो मेटल होता है उसका जो क्या होता है, चमक होता है, उसमें क्या होता है, चमक, ठीक है। तो मेटल्स में क्या होता है, शाइनिंग होता है, शाइनिंग या लस्टर बोलते हैं उसको, लस्टर मतलब चमकता है, ठीक है। तो मेटल्स आर क्या होता है, शाइनी नेचर का होता है, मतलब क्या होता है, चमक होता है उसमें, चमक, चमकता है। एक्सेप्ट कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो नहीं चमकता मेटल में, वो है लेड, ठीक है। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो नहीं चमकता, वो है लेड, ठीक है। तो मेटल्स क्या होता है, चमकता होता है, चमकदार होता है, ठीक है। सिर्फ ये लेड एक ऐसा एलिमेंट है, ये लेड एक ऐसा मेटल है जो नहीं चमकता,
ठीक है। अब हम लोग चौथा देखेंगे मेटल्स। मेटल्स क्या होता है? सॉलिड स्टेट में रहता है। मेटल्स आर इन कौन से स्टेट में रहते हैं? सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या होता है? सॉलिड स्टेट मतलब ठोस अवस्था में रहता है, ठोस रहता है, ठीक है, ठोस रहता है। लेकिन एक्सेप्ट, इसका भी एक्सेप्शन क्या होगा? एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्शन यानी अपवाद, ठीक है। किसका? मरकुरी। मरकुरी एक ऐसा मेटल है जो क्या रहता है अवस्था में? आपका लिक्विड स्टेट में रहता है। लिक्विड यानी तरल पदार्थ, तरल स्टेट में रहता है, तरल अवस्था में, ठीक है। तो मेटल, जितने भी मेटल्स होते हैं वो कौन से स्टेट में रहते हैं? सॉलिड स्टेट में रहते हैं। लेकिन आपका अपवाद क्या है? मरकुरी। मरकुरी एक ऐसा एलिमेंट, ऐसा मेटल है जो कौन से स्टेट में रहता है? आपका लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट मतलब तरल पदार्थ, ठीक है ना। आपका फिफ्थ प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब क्या हो गया? फिफ्थ प्रॉपर्टीज ये है कि मेटल्स जो होता है आर जनरली क्या होता है? हार्ड होता है। हार्ड यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कठोरता, कठोर, ठीक है। मेटल्स क्या होता है? जनरली क्या होता है? हार्ड होता है। जितने भी आप मेटल्स देखोगे, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट, एक सब क्या रहता है? सॉलिड स्टेट में रहता है। सॉलिड स्टेट में तो जनरली क्या होगा? वो हार्ड होता है, ओके। बट इसका भी एक्सेप्शन क्या होगा? मरकुरी। मरकुरी कौन से स्टेट में? लिक्विड स्टेट में है। तो लिक्विड स्टेट में तो हार्ड होगा क्या? नहीं होगा। तो एक्सेप्शन क्या है? मरकुरी। मतलब अपवाद इसमें भी क्या है? मरकुरी। मरकुरी एक ऐसा मेटल है जो हार्ड नहीं होता, ठीक है। बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? जनरली क्या होता है? हार्ड होता है। हार्ड यानी कठोर होता है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ सिक्स्थ प्रॉपर्टीज की ये है, जो मेटल्स होता है, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? घनत्व, ठीक है, घनत्व। तो आपका जो मेटल्स होता है, हर एक मेटल की डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है, बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है। लेकिन एक्सेप्ट आपका सोडियम, ठीक है, सोडियम। क्यों? सोडियम की डेंसिटी उतनी हाई नहीं होती, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं? नाइफ से भी काट सकते हैं। नाइफ यानी चाकू, चाकू से भी इसको, इतनी सॉफ्ट रहती है इसकी, तो इसको क्या कर सकते हैं? चाकू से भी क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, तो ठीक है। बाकी अदर जो मेटल होते हैं उसकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है, ठीक है। अब सातवीं प्रॉपर्टी, सेवन प्रॉपर्टी इसकी क्या है? मेटल, ठीक है, क्या होता है? मेटल इज मैलिएबल, मैलिएबल इन नेचर। मैलिएबल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इसको हिंदी में बोलते हैं अघान वर्धनीयता, ठीक है, वर्धनीयता। इसको, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो मेटल्स होते हैं, मैलिएबल इन नेचर, मैलिएबल का मतलब होता है कि मेटल को हम लोग क्या कर सकते हैं? पिघला के क्या कर सकते हैं? ठोक पीट के, क्योंकि वो क्या होता है? जनरली हार्ड होता है। तो मेटल को हम लोग क्या कर सकते हैं? ठोक पीट के क्या बना सकते हैं? चादर बना सकते हैं, ठीक है, शीट बना सकते हैं कोई भी, ठीक है। इसी को बोलते हैं मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब ही वही होता है कि हम इसको क्या कर सकते हैं? पिघला के, मेटल को पिघलाते हैं और पिघला के हम उसकी चादर बना सकते हैं, ठीक है, जो नॉन मेटल नहीं कर सकता, राइट। अब इसकी हम लोग क्या पढ़ेंगे? आठवीं प्रॉपर्टीज। आठवीं प्रॉपर्टीज क्या है? अब पढ़ेंगे आठवीं प्रॉपर्टीज। आठवीं प्रॉपर्टीज है इसकी कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। अब स्टूडेंट, डक्टाइल का मतलब क्या होता है? डक्टाइल को हिंदी में बोलते हैं तन्यता, ठीक है, तन्यता। डक्टाइल इन नेचर का मतलब क्या होता है? मेटल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? पिघला के हम लोग वायर बना सकते हैं। जो वायर्स बनता है अपने, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम आता है, जो वायर्स हम लोग बनाते हैं, पतली पतली वायर, थीन वायर, पतली यानी थीन, थीन वायर जो बन
बनती है वो मेटल से हम लोग बना सकते हैं, राइट। तो मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल का मतलब वही होता है कि हम लोग उसको पिघला के वायर बना सकते हैं। इसमें क्या कर रहे थे, बना के हम मेटल्स आर मैलेबल, मैलेबल यानी यहाँ पे क्या कर रहे थे, मेटल्स को हम लोग पिघला के चादर बना सक रहे थे, ठीक है। और उसकी एक और प्रॉपर्टीज क्या होती है कि हम लोग मेटल को पिघला के क्या बना सकते हैं, उसको एक वायर बना सकते हैं, ठीक है। अब नाइन प्रॉपर्टीज, जो मेटल होता है वो क्या होता है, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, चालकता, ठीक है। मेटल की प्रॉपर्टीज होती है कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट, मतलब मेटल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नॉन मेटल से कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, लेकिन मेटल से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कंडक्ट होता है, राइट। तो मेटल किसमें यूज होता है, मेटल एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं चालकता, ठीक है। इससे बिजली उत्पन्न हो सकती है, ठीक है, राइट। अब आई इसकी फिर से एक नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, मेटल जो होता है, ठीक है, मेटल्स का, मेटल्स होते हैं रिंगिंग साउंड होते हैं, सोनोरस इन नेचर। मेटल आर सोनोरस इन नेचर, सोनोरस का मतलब क्या होता है, आवाज आती है, मेटल्स में क्या आती है, आवाज, ठीक है। मेटल्स को अगर हम लोग बजाएंगे तो उसमें क्या आएगी, आवाज आएगी, राइट। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज होती है, और इसकी प्रॉपर्टीज और भी स्टूडेंट्स, जैसे कि मेटल्स जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स डोनर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स डोनर का मतलब क्या होता है कि वो अपना, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो मेटल्स के पास क्या होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके ऑर्बिटल्स में, तो वो क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन्स किसी को देता है। तो ये भी इसकी प्रॉपर्टीज होती है, आप लिख सकते हो कि मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनर होते हैं, डोनर का मतलब देने वाला, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को किसी को क्या करता है, देता है। तो सारे ये सारे इसके क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल की, है ना। तो पहला प्रॉपर्टीज मैंने बताया कि मेटल्स क्या होता है, ठीक है। मेटल्स का हमने बहुत सारा प्रॉपर्टीज पढ़ा, सबसे पहला पढ़ा कि मेटल शाइनिंग सरफेस होता है, मतलब चमकदार होता है। दूसरा मैंने बताया क्या, कि मेटल्स क्या होता है, हार्ड होता है, है ना, मेटल्स हार्ड होता है। एक्सेप्शन क्या था, मरकुरी, मतलब अपवाद क्या था, मरकुरी, ठीक है। तीसरा मैंने बताया कि उसकी डेंसिटी भी क्या होती है, डेंसिटी यानी घनत्व, घनत्व क्या होती है, उसकी हाई होती है। इसमें भी एक्सेप्शन बताया था मैंने, सोडियम, सोडियम को हम लोग क्या कर सकते हैं, चाकू से इजिली कट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या हुआ, मेटल जो है मैलेबल नेचर का होता है, मैलेबल मतलब उसको हम लोग पिघला के क्या कर सकते हैं, ठोक पीट के हम लोग क्या बना सकते हैं, उसको कोई भी शेप में फॉर्म करके एक शीट बना सकते हैं, जैसे चादर बनते हैं एल्यूमिनियम के, ये सारी चीजें हम लोग बना सकते हैं, राइट। और मैंने बताया कि मेटल्स जो होते हैं डक्टाइल नेचर के होते हैं, डक्टाइल मतलब मेटल्स को पिघला के हम लोग क्या बना सकते हैं, पतली पतली वायर्स बना सकते हैं, राइट। उसके बाद मेटल्स को जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब मेटल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। फिर मैंने बताया कि मेटल्स क्या होता है, रिंगिंग साउंड, उसका वो क्या करते हैं, मेटल्स को आप बजाओगे तो क्या करेगा, आवाज देता है। तो दोस्तों ये सारे इसे क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज को हिंदी में बोलते हैं भौतिक गुण, किसके, धातु के भौतिक गुण, राइट। तो ये सारे इसके क्या है, भौतिक गुण है धातु के। अब इसके बाद हम लोग इसका पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ओके। तो आपको होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, थैंक यू सो मच।